सोलन के मोहन पार्क के समीप मोटर मैकेनिक की दुकान में आग लग गई, जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक दुकान का काफी नुकसान हो चुका था। दुकान में रिपेयर के लिए आया एक महंगा बाइक आग की भेंट चढ़ गया। दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची तो उन्होंने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि ये भवन जिसमें आग लगी थी वह नगर परिषद का भवन है, जिसमें नगर परिषद ने दुकानें किराए पर दी हैं। गनीमत ये रही कि आग एक ही दुकान में लगी और साथ की दुकानों पर ये आग फैल नहीं पाई। अगर आग पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया जाता तो नुकसान का आंकड़ा और बढ़ सकता था। फायर लीडर कुलदीप सिंह ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि आग की सूचना जैसे ही मिली उनकी टीम मौके पर पहुंची और जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि दुकान में रखी महंगी बाइक और दुकान का सामान पूरी तरह से जल गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आग से करीबन 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने शक जाहिर करते हुए बताया कि आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिलहाल उनका विभाग जांच में जुट गया है और किन कारणों से आग लगी है इस बात की जांच की जा रही है। हमें आग की सूचना 9 बजे प्राप्त हुई और हमने मौके पर उसी समय सूचना प्राप्त होते ही गाड़ी जो है घटनास्थल के लिए मूव कर दी थी। बताया गया है कि मोहन पार्क के साथ जो है कमेटी का कम्प्लेक्स है उसमें मैकेनिक की दुकान में आग लगी और हम 9:04 पर मौके पर पहुंचे और हमने आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया और आधे घंटे में आग पर पूर्ण रूप से काबू पा दिया गया और यहाँ साथ में लगती हुई जो शेष दुकानें थी उनको भी बचा लिया गया और पूरे कमेटी का जो यहाँ कम्प्लेक्स था उसको बचा लिया गया। इसमें एक ही दुकान जो जिसमें स्कूटर मैकेनिक का कार्य और बाइक का कार्य होता था, इसमें एक मैकेनिक के द्वारा बताया गया कि इसमें हमारा एक जो ये बाइक पूर्ण रूप से जो जली थी जल गई है और जो छोटा मोटा सामान जल के कुल मिला के कोई 2 लाख के आसपास का ये नुकसान हुआ है।